इसी हैशटैग को नहीं होना चाहिए, इसी हैशटैग को कि जस्टिस व पूजा और हैशटैग मेंटल हेल्थ मैटर्स, ये प्लीज आप लोग सभी पिन कीजिए। प्लीज आप लोग सभी जस्टिस मांगिए। पूजा दीदी को इंसाफ दो। वी वांट जस्टिस। हमारी नागपुर की जो लड़की है पूजा, एक बहुत ही होनहार लड़की थी, हमेशा टॉप आने वाली लड़की जो थी, और वो जो पढ़ाई कर रही थी वो एक MBBS की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, जो कि एक बहुत हार्ड पढ़ाई है, बहुत इजी नहीं है, लेकिन टॉपर थी, तो उसके वही कारण से उन्होंने MBBS जो है वो परस्यू किया था। अब कॉलेज में क्या कारण थे जिसकी वजह से पूजा को ऐसे कदम उठाना पड़ा, इस क्या कारण थे वो जानने के लिए हम डायरेक्टली पूजा के पापा से बात करेंगे। तो अंकल जी बताइए कि ऐसे मतलब आपने जब वहाँ कॉलेज आप गए, जब सब वहाँ के बच्चों से बात, तो क्या चीज़ें सामने आई है? वहाँ का मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा हरासमेंट करता है, यानी मेरी बेटी डिटेन हुई थी एग्ज़ाम से अटेंडेंस कम की वजह से, तो पार्शियलिटी करते हैं वो लोग जिनकी पॉलिटिकल पहुंच है या बड़े लोग हैं, जो डॉक्टरों के बच्चे हैं उनको डिटेन से हटा, लिस्ट से हटा देते हैं, फिर उनकी कितनी भी परसेंटेज अटेंडेंस रहे, लेकिन हमारी बच्ची की 5% कम होने के बाद भी वहाँ का जो डीन है, वाइस डीन उसने मेरी बेटी को बातें सुनाया कि तुम्हारी इतनी अटेंडेंस कम है, तुम कैसे एग्ज़ाम दोगी, जबकि मेरी बेटी ने बोला मैं खुद कंसीडर कर रही हूँ, मैं कैपेबल हूँ, बोले मैं एग्ज़ाम देने कैपेबल हूँ, लेकिन वो उसने उसकी इंसल्ट करके उसको निकाल दिया। फिर दूसरे दिन वो उसकी असिस्टेंट जो है उसका नाम क्या है, प्रीति मिश्रा ने एक स्टूडेंट का डिटेन हटा दिया, तो स्टूडेंट ने मेरी बच्ची को फ़ोन किया कि मेरा हटा दिया, तू भी आके ट्राई कर। मेरी बच्ची गई तो उसकी इंसल्ट किया उसने, अगर वो बच्ची को प्यार से समझाती थी तो ना कुछ भी नहीं होता था, यानी उसने इतनी ज़्यादा इंसल्ट किया कि वो उनके चेम्बर से निकल के सीधा टेरिस पे गई और कूद गई, नहीं अप डाउन करती थी, और वो उनका वो बोले हमारा हॉस्टल में रहना ज़रूरी है, वो नहीं रहना चाहती थी, अप डाउन कर रहे हैं हम, उसकी भी 2,40,000 रुपये फीस भरो करके हॉस्टल की, तो उसके लिए बहुत हरासमेंट करते थे, मेडिकल काउंसिल बैठता था, एक एक घंटा उसको बाहर खड़ा करते थे, और अटेंडेंस सेल का जो मेन आदमी था पंकज करके था, वो भी बहुत ज़्यादा यानी हल्कट है बात करने में, एकदम बेकार स्टाफ जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। हमारी बच्ची हॉस्टल में नहीं रह पा रही है, आपका ही ब्रांच है तो उसको यहाँ पे ट्रांसफर दे दीजिए, लेकिन उसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं है, यानी कोई दया माया है ही नहीं, सिर्फ पैसे का उनको हर जगह पैसा होना, पैसा नहीं दो उनको तो बच्चे को हरासमेंट देते हैं वो। पूजा को वाइस चांसलर ने खुद अपने ऑफिस में बुलाया था जब उसकी ट्रांसफ़र की बात चल रही थी, तो वाइस चांसलर उसको खुद केबिन में बुलाकर बोलते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तो उसने मुझे बताया सर को कि मुझे होम सिकनेस है, तो मुझे अप डाउन करना या मुझे ट्रांसफ़र करा दो, तो कहते तुम जाओ अपने हॉस्टल के रूम में सो और अपने सपने देखना ट्रांसफ़र के, ऐसे बात करते थे वो इतना हम उसकी मम्मी और डैडी मैं दोनों गए थे बात करने, हमसे बात ही नहीं किया, वो जो मेडिकल रिपोर्ट लेके गए थे उसकी, वो बोले तुम फेक बना सकते हो, बोले ये फेक भी हो सकती है, हम कैसे विश्वास करें, 2 महीने की लीव हम कैसे दे, वो यानी बात करने में एकदम बेकार आदमी है, समय शुक्ला करके है, वो भी रिस्पेक्ट तो है ही नहीं उसको, बात करने में एकदम इंसल्ट, सामने वाले पेरेंट्स की इंसल्ट करके बाहर निकाल देता है, और ध्यान भी नहीं देता है कि कोई पेरेंट आया है तो उससे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, कुछ भी नहीं। वो डॉक्टर होके अगर ऐसे बोलता है कि ये फेक आप बना के लाए हो मेडिकल का सर्टिफिकेट, तो सोचने वाली बात है कि वो कैसा डॉक्टर है, बेवकूफ़ डॉक्टर है, उसको समझना चाहिए। जब वो लीव पे थी तो वो एग्ज़ाम क्या दे पाएगी, जबकि उसने एग्ज़ाम के समय में उसको जो एंजाइटी हुई थी उसने पूरे पेपर्स अपने बहुत अच्छे दी थी, पढ़ नहीं पा रही थी वो उसके कारण, लेकिन फिर भी उसका परसेंट टॉप की थी उसने क्लास में बिना पढ़े, तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था बिल्कुल कि वो कर लेगी, क्योंकि वो जो लेक्चर अटेंड करती है उसके भरोसे वो एग्ज़ाम दे सकती थी,
वो फिर भी डिटेन की, वो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक टॉपर रही है, मॉडर्न स्कूल में फर्स्ट से लेकर टेंथ तक टॉपर रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कल हम FIR करने गए थे लेकिन हमारा FIR नहीं लिया गया, वो बोल रहे थे कंप्लेंट दो, हमने बोला नहीं हमको FIR ही कराना है, कंप्लेंट का कोई मीनिंग नहीं था, कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, यहाँ पे मर्डर है, मैंने बोला। तो आप कैसे देखिए, पहले उन्होंने 60% का क्राइटेरिया रखा, अटेंडेंस का 60% क्राइटेरिया रखा, बस दो दिन में उन्होंने 75 पर कर दिया उसका, और उस चक्कर में कितने सारे बच्चों को उन्होंने डिटेन किया, क्या उनको कमाना है। 250 स्टूडेंट्स में से 130 स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था, और पूजा को एम्बुलेंस में डालने से पहले उन्होंने उसके ब्लड स्टेन्स पोछे, कि उनकी रेप्यूटेशन पे बात ना है कि वो ऊपर फ्लोर से कूदी है, उन्होंने पहले ब्लड स्टेन्स पोछे ये उसके कलीग्स ने बताया, और फिर उसको एम्बुलेंस में डाला है। और 2017 में भी एक ऐसा ही केस हुआ था जो दबा दिया गया, उनके पेरेंट्स हमसे मिलने आए थे न्यूज़पेपर में, उन्होंने पढ़ा और कल हमसे मिलने आए थे, और वो बता रहे थे कि हमारा 2017 में हमारी फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और 6 महीने बाकी थे उसको डॉक्टर बनने को, उसने कूद दी, बोले उसने सुसाइड कर ली, सेम कॉलेज से, और उसका केस दबा दिया गया, उनको न्याय नहीं मिला, दो हमसे मिलने आए थे। जैसे कि हमने सुना कि जो कॉलेज के फैकल्टी थी, कॉलेज के जो स्टाफ था, उनका जो बिहेवियर था वो बच्चों के प्रति बहुत ही रूड था, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ही जो MBBS की पढ़ाई है वो इतनी टफ रहती है कि मॉरल सपोर्ट हर जगह से बच्चों को लगता है। और दूसरी तरफ जब जो लड़की का परिवार था, पूजा का परिवार था, वो पुलिस के पास, प्रशासन के पास जब गया तो वहाँ से भी उनको कोई भी मदद नहीं मिली, वहाँ पर FIR करने से मना कर दिया गया कि हम FIR नहीं करेंगे, आपको देना है तो कंप्लेंट दो, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो कहीं ना कहीं, मतलब कहीं कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल प्रेशर से बंधे हुए हैं। मेरी बेटी ने 2 ईयर्स हो गए कंप्लीट हुआ उसका BDS दत्ता मेघे सावंगी से, तो उसका 3rd ईयर में जब वो थी, जब उसके पापा का बहुत सीरियस थे, उसके पापा, उसको कैंसर हो गया था, तो वो लोग उसको लीव ही नहीं दे रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला था, तो बिल्कुल इन्हें मान ही नहीं रहते कि हम इन्हें तुमको देंगे, तुमको इन्हें रिसीट लगेंगी ही लगेंगी, ऐसा उन लोग का मतलब, इन्हें वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब उसके पापा एलेक्सिस में एडमिट थे, लास्ट स्टेज पे थे, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को, इतना इन्हें उसको हरास कर दिया मेरी बेटी को कि वो रोने लगी, शिवरिंग करने लग गई एकदम से, तो फिर सारे उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ दे के, वहाँ एक बोरले सर थे उनसे बात करके फिर उसको परमिशन मिली, और वो जैसे बस वो आई और उसके पापा की डेथ हुई, यानी वहाँ उसको आने ही नहीं दे रहे थे कॉलेज से, ये चीज़ है वहाँ पे, मतलब जितने सारे सर्टिफिकेट्स मिले, जो जो भी मतलब वो सारे को भी बस ये ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही रहता है, जबकि को सब मानने लगे हैं कि बच्चों को टच भी नहीं करना है, उनको ऐसे एजुकेशन देना है, और ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जाओ तो लोग मानते नहीं वहाँ पर, मतलब उनको ऐसा लगता है ये नकली बना कर लाए, ये सब फेक है, और मतलब मैं बात तो ऐसे करते हैं, बिल्कुल इंसल्ट करते हैं, यानी मेरी यानी लास्ट स्टेज पे हम क्यों आए यहाँ पे, हम इंसल्ट कराने के लिए आए क्या? मैं 3-4 महीने पहले गया था, मेरे को ऐसे लग रहा था मैं यहाँ पे अपनी इंसल्ट कराने आया हूँ। जैसे कि आपने देखा कि एक परिवार नहीं, यहाँ पे कई परिवार और कई परिवार के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का सफ़र कर रहे हैं कि जो वहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही रूड है और बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उससे डायरेक्टली खेलता है। हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं विक्की कुकरेजा सर, और सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब मतलब परिवार प्रशासन के पास गया तो उन्होंने कुछ वहाँ पर कार्रवाई नहीं की, ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे पॉलिटिकल दबाव है। आप भी एक नागपुर के जाने माने पर्सनैलिटी है जो कि पॉलिटिशियंस भी है और मतलब अच्छे जाने माने पर्सनैलिटी में आते हैं, तो आज आप कैंडल मार्च के थ्रू इस परिवार के साथ में खड़े हैं, सर आपको क्या लगता है आगे जो कार्रवाई है वो कितनी बढ़ेंगी और आप कितना मतलब साथ दे पाएंगे इनका? नहीं, एक बहुत बड़ी घटना हमारे क्षेत्र के अंदर में हुई है, पूजा राजानी ये हमारे एक तरीके से बच्ची है, हमारे समाज की बच्ची है, और सबसे बड़ी बात फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक के कंटिन्यूस ग्रेजुएशन 12th तक के उसने मेरिटोरियस स्टूडेंट रही है, MBBS में एडमिशन मिलना और उसको क्लियर करना यहाँ तक के आना अपने आप में बड़ी बात है, अगर उसने यहाँ तक सक्सेस किया तो आगे की जर्नी उसके लिए सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं थी। वेरी सिंसियर गर्ल, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है यह दुखद हादसा है, हम इसका खंडन करते हैं, और बिल्कुल मैं परिवार के साथ
शत प्रतिशत अपने पूरे पॉलिटिकल पावर के साथ खड़ा हूँ। कल ही माननीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने, जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी हैं, जैसे उनको ये जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत बच्ची के परिवार में उनके पिता से बात किया और उनको कहा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके ऊपर आप जो भी कार्रवाई चाहते हैं वो निश्चित तौर पर होगी। उसके बाद में माननीय फडणवीस साहब का मुझे कॉल था कि मेरी बातचीत परिवार से हुई है, आप जाकर उनके साथ खड़े रहिए। हमने उनको जानकारी दी कि हम उनके साथ खड़े भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सुमोटो होकर माननीय होम मिनिस्टर साहब ने सामने से इनको कॉल करके अपनी जो वरीनेस है, चिंता है, वो इनके साथ में जताई है। और कोई पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। समाज के अंदर में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जिस तरीके से यहाँ कुछ और भी परिवार आए हैं जिन्होंने अपने इसके पूर्व की जो उनके साथ में हुई हुई बदसलूकी कहिए, जाति कहिए, वह भी हमने यहाँ पर सुनी है। एक पुराना परिवार 2017 की जो घटना उन्होंने बताई, उसके अंदर भी वो परिवार इनसे आकर मिलके गया कि हमारे परिवार के साथ भी अनजस्टिस हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से 100% इस परिवार के साथ खड़ा हूँ और हमने कल समय भी मैनेजमेंट के साथ में रखा हुआ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। दोषी को सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं मिलेगी तो आगे जो कार्रवाई होती है वो आगे कार्रवाई 100% हम करेंगे। सर ऐसी देखिए, कॉलेज बंद कराना इसका सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे डॉक्टर भी वहीं से बनते हैं और हर तरीके की एजुकेशन भी इसी जगह से मिलती है। किसी चीज़ को बंद कराना यह सॉल्यूशन नहीं है। गलत व्यक्ति के ऊपर में कार्रवाई होना यह उससे ज़्यादा आवश्यक है। एक बार कार्रवाई हो जाए तो आगे लोगों को अपने आप सीख मिलेगी और सीख मिलने के बाद में हमको समाज को सुधारना है। आज यहाँ हजारों की संख्या में हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। हमारी एक बच्ची जिसने इतनी बड़ी जो कदम लिया है वो कदम गलत है, यह सब प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। और इतनी बड़ी संख्या में हमने आज कैंडल मार्च बारिश के चलते बीच में निकाला है। हम इसके ऊपर में इसके अंत तक, जब तक के जो दोषी है उसको सजा नहीं मिलती है, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हर एक माता पिता अपने बच्चे को बड़ा करता है बहुत सारे सपनों के साथ, तो वो इसके लिए नहीं कि वो ऐसी किसी संस्था से या ऐसे किसी विचारों का पूरी तरीके से शिकार बन जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे हम। हम बस इतना चाहते हैं कि पूजा के साथ जो भी हुआ वो ऐसा कभी भी किसी बच्चे के साथ ना हो। ये पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। बच्चा 12th के बाद PMT के लिए नीट के लिए पढ़ाई करता है अपनी, उस समय माँ बाप बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजरते हैं कि बच्चे को बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर नहीं आना चाहिए। उसके बाद वो जैसे तैसे एडमिशन गेन कर लेता है, वहाँ पर पढ़ाई इतनी टफ होती है। और आप जाकर सर्वे निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के ही सबसे ज़्यादा लोग क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि सच में वहाँ पर प्रेशर ज़बरदस्त है। तो क्या ज़रूरी नहीं है वहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में विचार करना, या फिर शायद करिकुलम को या फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन को हमें रीस्ट्रक्चर्ड करना चाहिए, ताकि भैया कहीं तो मानवीयता जन्म ले, मानवता के साथ लोगों के बारे में विचार किया जाए। क्या टीचर का वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं थी कि आकर पूछे कि पूजा क्या प्रॉब्लम हो रही, होम सिकनेस क्यों लग रहा है? डेफिनेटली स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्टर्स। यहाँ पर हमेशा यही देखा गया है, मैं खुद भी स्कूल में टीचर हूँ तो हम जानते हैं कि जब माँ बाप बहुत भरोसे के साथ स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं आप लोग निश्चिंत होकर, कि हम वहाँ पर माता पिता का रोल प्ले करेंगे, और जब हम ही उनका गला घोट देंगे तो कैसे होगा? आज पूजा वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी और के साथ ये वाली चीज हम होने नहीं देंगे। ये भारत के आज के बच्चे कल का भविष्य है। अगर आज के बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो भारत का भविष्य क्या रहेगा? अगर इसके लिए हमें जितनी भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जमा होगा हम होंगे और अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे। नमस्कार, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय भी प्रभांक एक का हिमांशु धनवानी बोल रहा हूँ। जो आज पूजा दीदी को लेकर जो भी घटना सामने आई है वो एक मेंटल ट्रॉमा कह सकते हैं। जो ऐसा स्टाफ जरूरी नहीं है हर एक जगह, जो स्टाफ है ना इस पर कड़ी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टाफ को ऐसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए जो ऐसा मेंटल स्ट्रेस मेंटल ट्रॉमा दे। ये ऐसे स्टाफ को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे स्टाफ के होते कल को आज हमारी पूजा बहन गई है, कल को कोई और भी जा सकता है। ये ऐसे स्टाफ को बदलना, जैसे विक्की चाचू ने कहा कि हम कॉलेज को बंद करना नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्टाफ को निकालना चाहिए। और ये बात का नेतृत्व बिल्कुल सही है, विक्की जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो एक्शन भी उस चीज़ पर लेंगे। विक्की कुकरेजा जी हमारे नगर सेवक जरीपटका के, उस चीज़ को मान्यता रख के हमें ये चीज़ समझनी है और हमें ऐसे स्टाफ को
निष्कासित करना है कि वहाँ से वो स्टाफ निकले, ताकि अगला ताकि उनको सजा भी मिले और ताकि अगली हमारी कोई बहन ऐसे हरकत ना करे और ऐसा नौबत ना आए कि वो कर पाए, और ऐसे स्टाफ को तुरंत निकालना जरूरी है। मेरा नाम रोहित रामविलास यादव, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जो वाक्या, आज जो दुख मेरी छोटी बहन पूजा के साथ हुआ है, वो एक शब्द नहीं है मेरे पास उसको बयां कर पाना कि किसी बच्चे, किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को खोया। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं भी मानता हूँ, मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं, बट एजुकेशन के आड़ में अगर बिजनेस हो रहा है, बिजनेस के आड़ में अगर हमारे घर के बच्चों की आहुति हो रही है, बलिदान देना पड़ रहा है, तो ये किस टाइप का एजुकेशन। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मैं आखिरी क्षण तक पूरे परिवार के साथ में हूँ, मेरी पूरी टीम, मैं ताकत से लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। जब तक जिन जिन लोगों के कारण उस बच्ची ने अपनी जान दी है, जो भी उसमें जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, उनके खिलाफ एड़ी चोटी का दम लगाने की क्षमता रखता है रोहित यादव। आखिरी समय तक, चाहे अनशन करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हम सब करने को तैयार है, पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ। और जितने भाई लोग आज सहयोग किए, मैं चाहूँगा अगले बार अगर जरूरत पड़े तो इससे बड़ी संख्या में हम मिलजुल कर आखिरी दम तक अगर साथ दूंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि बच्ची को न्याय मिलेगा। 100% FIR दर्ज होती है, क्योंकि बच्ची ने हादसे की 10-5 मिनट पहले अपने पिता से कॉल में बात किया था, भैया से आपसे बात किया था ना, और भैया मौजूद है अपने सामने में, कि भैया से बात करके उन्हें बताया कि पापा मेरे साथ गलत हुआ, मेरा ईगो हर्ट हुआ, मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई, 10 लोग मुझे देख नहीं पा रहे, नजरों में नजरें मिला नहीं पा रही, कुछ इस टाइप का वाक्य हो भैया। बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, सब जने चिल्ला रहे, बोले पापा मेरे को, सब जने, और बहुत ज़ोर से रो रही थी। मैंने बोला बेटा तू रुक, मैं सबकी ऐसी तैसी करने आता हूँ, लेकिन वो नहीं रुकी भैया। वो आपकी बेटी को 5 मिनट के बाद वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी बच्ची जो है फिसल के गिर गई है और कैजुअलिटी में और क्रिटिकल है। मैंने बोला ऐसे कैसे, गिरने से कैसे कैजुअलिटी और क्रिटिकल हो गया केस, मैं और कुछ है, मैंने आप गलत रीज़न बता रहे हैं। नहीं बोले, हम सही रीज़न बता रहे हैं, उसका बम्बू में पैर फंसा और वो मुंह के बल गिरी है, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, झूठ बोला गया भैया। वो आपकी बेटी के साथ साथ हमारी छोटी बहन है, और भैया आग से आग मिला देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी पूरी ताकत के साथ मेरी बहन, छोटी बहन को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ, मेरी पूरी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। कॉलेज के जो स्टाफ है, उनसे की हुई बदसुल्की में जूझता सिर्फ लड़के बच्चे नहीं, उनका एक परिवार भी है। हमारे जो नागपुर के जो भविष्य है, उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने जाना। और एक तरफ जहां परिवार जस्टिस दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालते हुए बहुत एक प्रेरणा बनते हुए लड़की की जस्टिस दिलाने के लिए आगे बढ़ा है, वहीं पर दूसरी ओर परिवार के साथ में एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, जो कि वीरेंद्र कुकरेजा जी का है। कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ सुयश सेठिया, मार्शल टीवी 24, नागपुर।